हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी ए टू प्लस। हमारे पास फ़ोन है और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है, इसके जो बैक करने वाले बटन होते हैं वो तीनों किसी ने इसमें से हाइड कर दिए। अगर आपके पास भी रेडमी ए टू प्लस फ़ोन है, उसके बटन किसी ने हाइड कर दिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए मैं इसमें कोई सी भी एप्लीकेशन खोलता हूँ, मैंने सेटिंग खोली, जो हमें बैक करना है वो साइडों में से इस तरीके से बैक करना पड़ता, इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर करता। तो बटन लाने के लिए सबसे पहले करना क्या, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ नीचे आना आपको, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम का, तो आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर गेस्टर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेस्टर नेविगेशन पर क्लिक होगा, तो हमें थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक करना। और जैसे हम थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोन के बैक करने वाले बटन आ जाएंगे। अगर ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैक करने वाले बटन चले जाएंगे। तो हमें थ्री बटन नेविगेशन पर क्लिक करना, हमारे फ़ोन के बैक करने वाले बटन आ जाएंगे। तो आप भी अपने फ़ोन में इस तरीके से जो बैक करने वाले बटन ला सकते हैं। अगर आपके पास रेडमी ए टू प्लस फ़ोन है, तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन के बैक करने वाले बटन ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें।